करा फवाद को इग्नोर। क्यों फवाद का नाम तक करीना नहीं लेना चाहती अपनी जुबान पर। हाल ही में यह खबर आई कि मेकर्स ने पाकिस्तानी कलाकारों को मीडिया से दूर रहने की सलाह दी है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब बॉलीवुड कलाकारों ने भी पाकिस्तानी कलाकारों से दूरी बनाए रखने का मन बना लिया है। जी हाँ, दरअसल जियो मामी फिल्म फेस्टिवल में सोमवार को करीना ने एक बार फिर से स्टनिंग अपीयरेंस दिया और कोई भी उन्हें देखते रहने से खुद को नहीं रोक पाए। ये बात सभी को पता है कि सालों से ही करीना न केवल एक एक्टर के तौर पर बल्कि अपनी स्टाइल सेंस की वजह से भी चर्चा में रही हैं। सोमवार को उन्होंने ए दिल है मुश्किल की स्क्रीनिंग में भी हिस्सा लिया। फिल्म देखने के बाद पत्रकारों ने जब करीना से पूछा कि उन्हें ए दिल है मुश्किल कैसी लगी, इस पर उन्होंने कहा, मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी। फिल्म के सभी कलाकार रणबीर कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन और अनुष्का शर्मा भी फिल्म में बेहद अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सभी ने बेहतरीन काम किया है और लोगों को फिल्म बेहद पसंद आएगी। मेरा मानना तो ये है कि ये करण की अब तक की सबसे अच्छी फिल्म है। फिल्म ए दिल है मुश्किल को लेकर करीना की मीडिया से हुई इस बातचीत में फवाद खान का जिक्र कहीं नहीं आया। करीना ने फवाद का नाम तक नहीं लिया, जबकि उन्होंने भी फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आखिर फवाद खान का नाम लेना भूल गई हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर आखिर फवाद का जिक्र न करने के पीछे की वजह क्या है? बता दें कि एमएनएस ने ए दिल है मुश्किल में काम कर रहे पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध किया था। एमएनएस का कहना था कि जब तक पाकिस्तानी कलाकारों के किरदार हटाए नहीं जाएंगे, तब तक फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अब मामला ठंडा हो चुका है।